Today we are going to start the syllabus of class 9th and the first subject that I am going to discuss is physics. And the first chapter is rest and motion. तो इस चैप्टर में हम लोग basically rest and motion को describe करेंगे, इनके various parameters जैसे velocity, displacement, acceleration, ये सारे physical quantities क्या क्या होते हैं, इनको कैसे define करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो first चीज जब हम लोग motion के बारे में पढ़ते हैं तो मोशन हम एक बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है जो हम लोग ऑलमोस्ट डेली करते हैं. अगर हम अपने घर में भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम अपना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपना पोजीशन चेंज करते हैं. जैसे स्कूल ही जाना हुआ तो घर से निकले और स्कूल तक गए, है ना, तो कुछ ना कुछ मोशन किए, बाइक चलाए तो मोशन किए, रनिंग किए तो मोशन किए, कार चलाए तो मोशन किए, है ना. तो मोशन क्या है, मोशन का बेसिकली अगर एक लाइन में अगर समझना पड़े कि मोशन क्या है, तो मोशन का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना, ठीक है. तो अगर इस मोशन को डिस्क्राइब अगर करना हो, अगर इस मोशन को डिस्क्राइब करना हो तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक होता है फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट और दूसरा टाइम. एक होता है फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, टाइम. जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल दो, अगर मान लो मैं रोड पर एक गाड़ी बाइक को चलाते हुए जा रहा हूं तो मेरे रोड के आसपास बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं, है ना, जो अपने पोजीशन पर फिक्स हैं, जिनका पोजीशन कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक ना. तो अगर हम बोले कि मैंने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 1 किलोमीटर पहले जो ट्री था उसको मैंने ट्रैवल करके 1 किलोमीटर आगे आ गया, इसका मतलब कि जो सराउंडिंग्स की जो चीजें हैं जो फिक्स हैं, जो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, जब उन फिक्स चीजों के रेस्पेक्ट में अगर हम अपना पोजीशन चेंज करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम मोशन में हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर मैंने एक टेबल रख लिया, टेबल तो जहां पर रखा हुआ है वहीं पर है, और उस टेबल को रखने के बाद मैं उसके आसपास अगर ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दूं तो टेबल तो मेरा फिक्स है, वो तो अपना पोजीशन कभी चेंज नहीं कर रहा, लेकिन उस फिक्स टेबल के रेस्पेक्ट में हम तो मूव कर रहे हैं ना, आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं. तो उसलिए फिक्स रेफरेंस पॉइंट का मतलब यही है कि ऐसी कोई चीज जो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, जो उस जगह पर फिक्स है और उसको स्टैंडर्ड मानकर तुम अपना पोजीशन जब चेंज करोगे तो तुम बोल सकते हो कि हम उस फिक्स रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम मोशन में है, ठीक है. ठीक है, जैसे मान लो कि तुम रोड पे बाइक लेके चल रहे हो, तुम्हारे बगल में एक बिल्डिंग है, एक स्कूल है, तो वो स्कूल का तो पोजीशन फिक्स्ड है, उस अब तुम क्या करोगे, थोड़ी देर बाद उस स्कूल को क्रॉस कर जाओगे अगर तुम मोशन में हो तो. इसका मतलब क्या हुआ कि उस स्कूल के रेफरेंस में तुमने अपना पोजीशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज कर लिया. तो इस फिक्स रेफरेंस पॉइंट का यही मतलब होता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर चीज जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करे, लेकिन तुमने इस फिक्स पॉइंट और फिक्स रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज किया है, तो बोला जाता है फिक्स रेफरेंस पॉइंट. सिमिलरली चीज होता है टाइम के साथ, ठीक है. जैसे मान लो कि मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ तुम्हारे सामने किसी टाइम t=0 सेकंड में, और हो सकता है कि 10 मिनट के बाद मैं किसी दूसरे जगह पर चल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा ना कि टाइम के रेस्पेक्ट के साथ मैंने अपना पोजीशन भी चेंज किया है ना, तो इस तरीके से टाइम भी आता है, ठीक है. तो मोशन को अगर मुझे डिफाइन करना पड़े तो हम बोल सकते हैं अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to a fixed reference point and time. देखो मैंने यहां पर क्या लिखा, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन. किसी बॉडी को हम लोग मोशन में है तब कहेंगे जब वो अपना पोजीशन चेंज करे. क्या इंपॉर्टेंट है, जो अपना पोजीशन चेंज करे किसके रेस्पेक्ट में, एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट और टाइम के रेस्पेक्ट में. देखो अगर यहाँ पे मुझे इसको सिम्बॉलिकली दिखाना पड़े तो मान लो कि ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है जिसपे मान लो तुम्हारा कार यहाँ पर इस रोड पर ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो मैंने एक बिल्डिंग बना दिया, ठीक है, यहाँ पर बिल्डिंग है, यहाँ पर एक ट्री है, ठीक है. तो देखो रोड के साइड में ये जो बिल्डिंग है, ये जो ट्री है, ये तो अपने पोजीशंस पे फिक्स है ना, ये तो अपने पोजीशन पे फिक्स है, ये तो मूव नहीं करेगा. तो इन फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तुम क्या कर रहे हो, तुम इस पॉइंट से ट्रैवल करके इस पॉइंट तक आगे. मान लो ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट था बी, तो तुमने क्या किया, तुमने इस रोड पर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल किया है ना, और लेकिन साथ रोड के बगल में जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो ट्रीज हैं, ये तो फिक्स्ड है ना, ये तो अपना पोजीशन चेंज कभी नहीं कर रहे.
तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि तुमने इन इस बिल्डिंग और इस ट्री के रेस्पेक्ट में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया, क्योंकि ये फिक्स हैं, ये मूव नहीं कर रहे, तो इन फिक्स रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तुमने अपना पोजिशन चेंज किया ए से बी, तो हम बोलेंगे कि तुम मोशन में हो। क्लियर हो गया। उसी तरीके से मान लो टाइम है, ठीक है, सो तुम मान लो जब पॉइंट ए पर थे तो मान लो टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड था, ठीक है, और जब तुम टाइम बी पर चल गए तो बोलेंगे टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड है। तो हम बोल सकते हैं ना कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम अपना पोजिशन भी चेंज कर रहे हो। तो इस तरीके से मोशन को डिफाइन करते हैं कि कभी भी अगर तुम अपना पोजिशन चेंज करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में या किसी फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे कि तुम मोशन में हो। क्लियर हो गया। उसी तरीके से दूसरा टर्म है रेस्ट। रेस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर तुम किसी फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर अपना पोजिशन चेंज नहीं करते हो तब हम बोलेंगे कि तुम रेस्ट में हो। अगर मान लो तुम यही अगर तुम पॉइंट ए पर खड़े होते और एक घंटे के बाद भी अगर तुम पॉइंट ए पर ही खड़े रहोगे तो हम बोलेंगे ना कि उस एक घंटे में तुमने कोई मोशन नहीं किया है, क्योंकि तुम उसी पॉइंट पर खड़े हो, तुमने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो हम बोलेंगे तुम रेस्ट में हो। अगर मान लो ये बिल्डिंग और ट्री यहां पर है और तुम यहां पर हो, कितना भी समय बीत जाए और तुम इसी पॉइंट पर खड़े रहोगे तो हम बोलेंगे ना कि इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी तुमने अपना पोजीशन कभी चेंज नहीं किया है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। तो देखो अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन है, तो रेस्ट कैसे डिफाइन होगा, अ बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट इफ इट चेंजेस की जगह हो जाएगा डज नॉट चेंजेस, है ना, जब वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम। जब कोई बॉडी टाइम के रेस्पेक्ट में या एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगा तो हम लोग बोल देंगे कि वो पर्टिकुलर बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर दो अच्छे से। उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि रेस्ट और मोशन क्या है। अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में या किसी फिक्स रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो हम लोग बोलते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। अगर कोई बॉडी टाइम के रेस्पेक्ट में या फिक्स रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन कभी चेंज नहीं करता है तो हम लोग बोल देंगे कि वो पर्टिकुलर बॉडी वो रेस्ट में है। तो चलो अब हम समझते हैं एक और चीज। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक चीज अगर तुम्हें समझा, मान लो कोई बॉडी इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर एक समय पर था, ठीक है, और कुछ समय के बाद उसने अपने मोशन में आया और वो बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट में आ गया, तो अब इस बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ, मतलब अब हम लोग मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कभी भी कोई बॉडी अगर मोशन में आएगा, ठीक है, कभी भी कोई बॉडी अगर मोशन में है मतलब वो क्या करेगा, अपना पोजीशन, इसका मतलब वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ना, पोजीशन चेंज कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गया। देखो अब बहुत कॉमन सा चीज बताओ, अगर हम कभी भी मोशन करेंगे, मान लो अगर हम यहां से वहां तक भी जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। इसका मतलब अगर ये पॉइंट ए से कोई बॉडी अगर पॉइंट बी तक जाता है तो इस ए के बीच, ए और बी के बीच में कोई डिस्टेंस होगा, है ना, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके गया होता है ना। तो कभी भी मोशन, अगर मोशन या पोजीशन, मोशन का बात करेंगे तो एक टर्म डिफाइन होगा अब जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, मतलब वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके जरूर जाएगा, ठीक है। चलो मान लो कि इस ए से बी जाने में उसने ये वाला पाथ लिया, पाथ नंबर P1, ठीक है, इस ए से बी जाने में इसने क्या किया, इसका कौन सा पाथ लिया, पाथ P1, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे भाई ठीक है, इसने ए टू बी ट्रैवल करने में कौन सा पाथ लिया, P1, और इस P1 को मेजर करेंगे और जो भी डिस्टेंस होगा वो ये P1 डिस्टेंस होगा, ठीक है। फिर किसी का मन क्या बोला कि नहीं मैं पाथ P1 से नहीं जाकर के मैं पाथ P2 से जाऊंगा, ठीक है, तो ए से बी जाने का इसने कोई दूसरा पाथ लिया, ठीक है, तो ए से बी के लिए गया लेकिन पाथ P1 से ना जाके किससे गया, पाथ P2 से गया, सुनना है। उसी तरीके से किसी ने बोला कि नहीं मैं ऐसे जाऊंगा पाथ नंबर P3 से जाऊंगा, तो बोला कि ठीक है, तो ए से बी जाने का एक और पाथ निकल के आया जिसको हम लोग बोलते हैं पाथ P3। तो देखो मेरे यहाँ ये सारे एग्जांपल्स देने का क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर देखो मोशन में था तो इसने अपना पोजीशन चेंज किया ए से बी, तो ए से बी जाने के यही तीन तरीके नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, है ना, वो किसी भी पाथ से ए से लेकर बी कर बी तक जा सकता है। तो जो जैसा पाथ
इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान से सुनना, जैसा पाथ वो ए से बी तक जाने में लेगा उस पाथ के थ्रू जो जाएगा वो एक्चुअल डिस्टेंस जो उस पाथ को कवर करेगा वो होता है डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ जो ए से बी जाने में वो कवर करेगा वो होगा उसका डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हम मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए पाथ पी वन को लेते हैं, तो हम इस पी वन को मेजर करेंगे, जितना एक्चुअल पाथ इसका जो मेजर आएगा हम बोलेंगे भाई इसने ए से बी जाने में उतना डिस्टेंस कवर किया। बहुत ध्यान से सुनना, फिर मान लो किसी ने बोला कि नहीं मैं पी वन से नहीं जाऊंगा मैं पी टू से जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसने पाथ ए से पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में इसने पाथ पी टू लिया, तो हम इसको मेजर करेंगे कि भाई इस पाथ का क्या मेजर है, तो जो मेजर निकल कर आएगा वो हम बोलेंगे कि इसने ए से बी जाने में इतना डिस्टेंस कवर किया। तो जो डिस्टेंस जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिस्टेंस मेजर होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में वो हमेशा पाथ डिपेंडेंट होता है। कैसा डिपेंडेंट होता है? पाथ डिपेंडेंट मतलब डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या है? पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? पाथ डिपेंडेंट, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ए से बी जाने में हम कौन सा पाथ लिए हैं। अगर हम पाथ पी वन लेते हैं तो मेरा कुछ दूसरा डिस्टेंस आएगा, अगर हम पाथ पी टू लेते हैं तो कुछ दूसरा डिस्टेंस आएगा, और पाथ पी थ्री लेते हैं तो कुछ दूसरा डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस का अगर डिफाइन करना है कि डिस्टेंस अगर होगा तो पाथ डिपेंडेंट तो हो गया, तो डिस्टेंस हो जाएगा एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस का क्या डेफिनेशन हो गया? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है? देखो इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने दो पॉइंट कंसिडर किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो अपना पोजीशन चेंज करेगा, उसने मूव करके पोजीशन ए से पोजीशन बी पर आ गया। अब ए से बी जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, तो उसने बोला कि मैं पिछले बोला कि मैं पाथ पी वन से जाऊंगा, तो वो इस पाथ से होकर जाएगा, तो जितना मेजर इस पाथ का होगा वही उसका डिस्टेंस होगा। तो वो बोलेगा कि जिसने पाथ पी वन कवर किया उसने इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया। ठीक है, किसी ने पाथ अगर पी टू लिया तो उसका मतलब क्या है कि उसने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसी ने पाथ अगर पी थ्री लिया तो इसका मतलब क्या है उसने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस कभी भी यूनिक नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस कभी यूनिक नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि ए से बी पहुंचने में उसने कौन सा पाथ लिया है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया, इसको रब करते हैं। चलो अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो ये एक रोड है। ठीक है, यहां पर तुमने अपना कार ट्रैवल करना स्टार्ट किया, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है मान लो फॉर एग्जांपल 10 मीटर्स, फिर ये है 2 मीटर्स और ये है फिर 20 मीटर्स। ठीक है, और तुमने कार को पहले पूरा यहां से ट्रैवल करते हुए पूरा ये ट्रैवल करते हुए तुम्हारा कार वापस इस पोजीशन पर आ गया, तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ कि इसमें कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया, तो तुम क्या लिखोगे कि इसने कौन सा पाथ ट्रैवल किया है, कौन सा पाथ ट्रैवल किया है। तो बोलोगे सर इसने पहले ये 10 मीटर ट्रैवल किया, फिर इसने ये 2 मीटर ट्रैवल किया और फिर इसने 20 मीटर ट्रैवल किया, तो इसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, तो 20 मीटर, 2 मीटर, 22 मीटर और ये है 30 किलोमीटर। तो बोलोगे सर इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 32 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो तो समझ में आ गया ना कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस मतलब तो टोटल एक्चुअल पाथ जो तुम कवर कर रहे हो उस पाथ पे गुजरते जाओ और जितना मेजर आएगा उस पूरे पाथ का वही तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा जो इस कार ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल किया है। ठीक है, अब देखो वापस लौट के इस फिगर पर आओ। ठीक है, मोशन में तो तुम थे, तुमने अपना पोजीशन तो चेंज कर लिया, लेकिन यहां पर एक और टर्म डिफाइन होता है। देखो अगर ए से बी तक जाने के तो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर पी वन है, पी टू है, पी थ्री है, लेकिन इन सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ में से एक पाथ ऐसा भी होगा जिसका डिस्टेंस मिनिमम होगा। जिसका डिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम, मतलब ए से बी पॉइंट के बीच का वो डिस्टेंस सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस ए और बी पॉइंट के बीच का होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हमेशा याद रखना किसी भी दो पॉइंट, एक पॉइंट से दो पॉइंट तक जाने में तुम बहुत सारे पाथ ले सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ तीन दिखाया है, तुम इसके अलावा भी अपने मन से कैसा भी पाथ बना सकते हो। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में बहुत सारे पाथ हो सकते हैं और हर पाथ का अपना अपना डिस्टेंस होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम जैसा पाथ लोगे वैसा तुम्हारा डिस्टेंस निकल कर आएगा एक पॉइंट से दो पॉइंट तक के बीच में जाने के लिए, लेकिन इन दो पॉइंट के बीच में हमेशा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा, हमेशा दो पॉइंट के बीच में हमेशा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा। तो अगर वो तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो शॉर्टेस्ट पाथ का जो मेजर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक पॉइंट से दो पॉइंट तक जाने में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस कवर किया जा सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक होगा। क्लियर हो गया। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस हो सकते हैं। वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि तुमने पाथ कौन सा लिया है, लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा। वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो इस चीज को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक क्वेश्चन पे समझते हैं कि क्वेश्चन आखिर क्या बोलता है। इस पूरे चीज को एक पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, डिस्टेंस कैन बी इनफाइनाइट। ठीक है, इट डिपेंड्स, ब्रैकेट में लिख लेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ चूजन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए बहुत सारे डिस्टेंसेस हो सकते हैं। वो डिपेंड करेंगे कि हम कौन सा पाथ ले रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, जबकि डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इट डिस्प्लेसमेंट विल बी यूनिक। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, यूनिक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं किसको, है शॉर्टेस्ट पाथ को। तो दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो तो यूनिक होगा, है ना, वो यूनिक होगा, तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अगर मैं यहां पर तुमको एक क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, अगर हम तुमको बोले कि चलो चलो सिंपल समझिए कि मान लो यहां पर तुमने एक, तुम्हारा कार है, तुमने पहले ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, फॉर एग्जांपल मान लो 3 मीटर्स, ठीक है, और तुमने ये और ये वर्टिकल डिस्टेंस तुमने कवर किया 4 मीटर, और ये तुम्हारा कार मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर आ जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आया, है ना, ये तुम यहां से ट्रेवल करते हुए यहां पर आ गए, और मेरा ये टारगेट है, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि तुमको इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया, बोलोगे सर सिंपल है, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, तो डिस्टेंस तो हो गया 7 मीटर, क्योंकि इसने ये वाला पाथ लिया यहां से, यहां पहले हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल 4 मीटर्स। ठीक है, अब हम पूछेंगे, अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालकर बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। ठीक है, चलो देखो हम तुमको एक बहुत सिंपल सा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर तुमको कभी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो, तुम कुछ नहीं करो, बस उस दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। ठीक है, उन दोनों पॉइंट को क्या करोगे, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, हमेशा ये बात याद रख लो। ठीक है, हमेशा कभी भी तुमको किसी भी दो पॉइंट के बीच का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए होगा तो उन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, तो ये 3 मीटर्स था और ये 4 मीटर्स था, फिर मुझे इन दोनों, अब ए डिस्टेंस तो मैंने कैलकुलेट कर लिया कि पॉइंट ए और पॉइंट के बीच में कितना एक्चुअल डिस्टेंस है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो ए और बी पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और अभी बताया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे स्ट्रेट लाइन को अगर मैं मेजर कर लूंगा कि इसका कितना लेंथ आएगा, तो सिंपल मुझे पता चल जाएगा कि मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अच्छा देखो, सबने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में 7-8 में पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ा है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है ना, तो ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हम एच स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना।
तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 + 16 यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दैट इंप्लाइज एच इज इक्वल टू 5 meters ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5 meters है ना। इस क्वेश्चन से क्या समझे देखो इस क्वेश्चन से ये समझे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से हमेशा कम होगा क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। देखो जो पाथ तुमने एक्चुअली ट्रेवल किया फिर से एक बार कंक्लूड करते हैं जो पाथ तुमने एक्चुअली ट्रेवल किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के बीच में वो तुम्हारा डिस्टेंस कहलाता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा उन दोनों पॉइंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है ठीक है। और शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कैसे करते हैं उन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके ठीक है। तो मैंने ये 3 meters लिया ये 4 meters लिया और मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मैंने ये हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लिया जो मेरे ए और बी पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट था। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 5 meters आया और डिस्टेंस मेरा 7 meters आया। यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट मैंने 5 meters कैलकुलेट किया है इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का ये यूनिक है। डिस्प्लेसमेंट कभी 5 से बड़ा 5 से छोटा या इसके अलावा कभी भी कोई और वैल्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये यूनिक है। लेकिन डिस्टेंस जो है 7 meters है ये बदल भी सकता है। अगर मान लो इसने कुछ ऐसा पाथ ट्रेवल किया होता मान लो ये पाथ P1 ऐसा कुछ कर्व जैसे जो दिख रहा है ये पाथ इसने लिया होता ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने का तो इस पर्टिकुलर पाथ के लिए जो डिस्टेंस है वो 7 meters ना आकर के कुछ और भी आ सकता था। लेकिन फिर भी अगर ये पाथ भी रहेगा तो भी इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा 5 meters होगा ठीक है। तो डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट होता है ठीक है। ये आज हम लोग यही कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। थैंक यू।